कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपनी पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं तो लहरों की फितरत ही है शोर मचाने की, पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपनी नजरों में तूफान देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी परीक्षा में आवेदन करने वालों की संख्या 5 लाख है, जो कि अमूमन प्रदेश के सेवाओं में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आवेदन करने वालों की संख्या से स्पष्ट होता है, लेकिन उस परीक्षा में वास्तविक सीटों की संख्या जिस पर अभ्यर्थियों को चयन किया जाना है उसकी संख्या मात्र 500 होती है। अब आप ये सोचिए कि 500 सीटों के सापेक्ष अगर 5 लाख लोग दौड़ रहे हैं तो भर्ती का बोर्ड और सरकार आपको क्यों सिलेक्ट कर ले, आपको क्यों सिलेक्ट कर ले जहां की 500 सीटों के लिए 5 लाख लोग दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने आप को योग्य बनाना होगा, सक्षम बनाना होगा, प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, तभी आप इस दौड़ में जो है उन सीटों तक पहुंच पाएंगे जो कि 500 के दायरे में आपको लेने के लिए आपको योग्य बनाती है। तो इस तरीके से आज ही आप लोग उठ जाइए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जुनून, एक विश्वास के साथ उस दिशा में अग्रसर हो जाइए। तो आज का टॉपिक हमने जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया है वो है संघ और राज्य, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम न केवल संघ और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे बल्कि समय समय पर भारतीय राज्य में किस तरीके से नए राज्यों का निर्माण हुआ है उसकी एक ऐतिहासिक क्रम पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस पर आज का जो है चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्य का प्रावधान, जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुसूची 1 और भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले इन प्रावधानों को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। आर्टिकल 1 के अंतर्गत कहा गया है इंडिया, दैट इज भारत, सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत, यहां पर इस अनुच्छेद में 2 बातें कही गई हैं, एक इंडिया जो कि भारत और दूसरा राज्यों का संघ। इन दोनों ही वाक्यांशों को स्पष्ट करना और इसके मतलब को समझना बहुत ही आवश्यक है। इंडिया जो कि भारत, यहां पर भारत को भी यह कहा जा सकता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन यहां पर कहा गया इंडिया जो कि भारत। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय भारत को आजादी प्राप्त हुई, स्वतंत्रता मिली, उस समय और उसके पूर्व में एक व्यापक क्षेत्र इंडिया के अंतर्गत आता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद उसके कुछ क्षेत्र से मिलकर के पाकिस्तान का गठन हुआ और वर्तमान में जो भूभाग यहां पर है, एक संप्रभु भूभाग है, वह भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस समय इंडिया में भारत और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित थे, तो इंडिया कहने से एक अर्थ पाकिस्तान के लिए भी संकेत होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको अलग करते हुए केवल भारत के लिए संकेत मिल सके, तो वहां पर इंडिया तो है ही, लेकिन इंडिया वो है जो भारत के रूप में है, अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद के भूभाग के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। इसलिए इंडिया को भारत इस तरीके से बताया गया है। दूसरा यहां पर यह है कि राज्यों का संघ, यहां पर भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, परंतु भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था से उसके स्वरूप में, उसकी शक्तियों के संदर्भ में थोड़ा सा अंतर करता है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय संघ के माध्यम से राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया और समय समय पर नए राज्यों का निर्माण किया गया है। लेकिन अमेरिका की व्यवस्था इससे उल्टी थी, इसके विपरीत थी, क्योंकि वहां पर राज्यों ने सुरक्षा और अपने को सशक्त करने के उद्देश्य से संघ का निर्माण किया था। ऐसी स्थिति में वहां राज्यों को अधिक शक्तिशाली स्थिति दी गई है, जबकि भारत में राज्यों के पास कम शक्ति है, राज्यों को भारत संघ से निकलने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था में यूनियन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिका की व्यवस्था में फेडरेशन यानी कि संघ की व्यवस्था कहा गया है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के माध्यम से इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इंडिया और भारत दोनों के
बीच उत्पन्न होने वाले संदिग्धता को भी जो है यहाँ पे समाप्त किया गया, और दूसरी तरफ संघ के स्वरूप को इसके माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए संघ में फेडरेशन के बजाय जो है यूनियन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत और आर्टिकल 3 के अंतर्गत दोनों में ही नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है, लेकिन इन दोनों में अलग ये व्यवस्था है कि ये नए या बाहरी भूभाग, और यह आर्टिकल 3 के अंतर्गत विद्यमान भूभाग। नए राज्यों का निर्माण, अगर नए या बाहरी भूभाग को भारत में प्रवेश के साथ नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो इसकी व्यवस्था आर्टिकल 2 के अंतर्गत की गई है, और अगर वर्तमान राज्य के निर्माण या उसके नाम सीमा या क्षेत्र में किसी तरीके के परिवर्तन की बात कही जाती है तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से वर्तमान राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र या नए राज्यों के निर्माण की बात अगर कही जाती है तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत, और नए भूभाग के द्वारा नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत। कई बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और 2, 3, 4 इस तरीके से आर्टिकल दे करके कंफ्यूज करता है, तो ऐसी स्थिति में 2 जो है वो बाहरी भूभाग से बने राज्यों के लिए है और आर्टिकल 3 विद्यमान भूभाग में नाम सीमा क्षेत्र का परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण की बात कही जाती है। तो इस तरीके से ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों ही अनुच्छेद के माध्यम से राज्य निर्माण या नए राज्य का निर्माण किया जाता है, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो शक्ति प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, वो भारतीय संविधान में संसद को प्रदान किया गया है। संसद के द्वारा नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के नाम सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। संसद के द्वारा किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने से पूर्व यह राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा सहमति के लिए विधानमंडल को भेजा जाता है। विधानमंडल से एक निश्चित समय के अंतर्गत, चाहे वो सहमति हो या असहमत हो, दोनों ही दशा में संसद के द्वारा उस पर प्रस्ताव पारित किया जाता है, और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है और नए राज्य का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से नए राज्य निर्माण की शक्ति भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संसद को दिया गया है। संसद नए राज्य के निर्माण से संबंधित कोई भी प्रस्ताव और बिल प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, और राष्ट्रपति अनुमति लेने से पूर्व विधानमंडल के पास सहमति हेतु भेजता है, और एक निश्चित समय में विधानमंडल चाहे उससे सहमत हो या असहमत हो, दोनों ही स्थिति में यदि संसद के द्वारा वह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो वो कानून बन जाता है, और उस दिन से नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के नाम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करने वाला जो विधेयक प्रभावी हो जाता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 1, 2 और 3 के अंतर्गत भारत के राज्य निर्माण और भारत के स्वरूप के बारे में जो है प्रकाश डाला गया है। इसके बाद हम राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाए गए हैं और नए राज्यों का निर्माण किया गया है। तो इसके संदर्भ में 1947 ईस्वी में एसके धर की अध्यक्षता में 1947 ईस्वी में एसके धर की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। उन्होंने विभिन्न आधारों का अध्ययन करने के बाद भाषा के आधार पर राज्य को गठित करने के मार्ग को और प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, और इसी तरीके से 1948 ईस्वी में जेपीबी, यह समिति का नाम है, जेपीबी समिति का गठन किया गया था। चूंकि उस दौरान दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु भाषा के लोगों को लेकर के एक आंदोलन चल रहा था, और तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण की बात कर रहे थे और इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में जेपीबी समिति का गठन किया गया। इसमें जेफ आर
जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभि सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों लोग थे और इन तीनों लोगों से मिलकर के समिति बनाई गई थी जो इस चीज का अध्ययन करते हुए राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी संस्तुति दे सके। समिति ने पाया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना उचित नहीं है, लेकिन इसमें एक परंतु ये जोड़ा गया कि यदि कहीं पर जन भावनाओं के आधार पर इस तरीके की आवश्यकता हो और अपेक्षा हो तो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन या राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात प्रथम दृष्टया भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की बात को अस्वीकार करने के बावजूद भी इसमें कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की गुंजाइश विद्यमान थी। इसी रिपोर्ट के बाद तेलुगु आंदोलन बहुत ही चरम पर पहुंच गया। इधर उधर हिंसक घटनाएं होने लगी और आंदोलन के नेता रमल्लू पट्टू एक नेता थे इसके आंदोलन के, वो अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद चारों तरफ हिंसक घटनाएं होने लगी और परिस्थिति से निपटने के लिए इस पृष्ठभूमि में, इस रिपोर्ट के पृष्ठभूमि में पहली बार भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और इस प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर भाषा के आधार पर गठन हुआ। लेकिन इन सभी पृष्ठभूमों में, चूंकि भारत एक व्यापक क्षेत्र वाला जो है देश है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, भाषा, क्षेत्र के लोग यहाँ पर विद्यमान है, भौगोलिक आधार पर काफी विविधता पाई जाती है, कहीं पर समतल भूमि, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहीं पर जंगली वन भी पाए जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करने और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन किया गया। ये फजल अली आयोग में दो अन्य सदस्य थे, के एम पड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये दो सदस्य थे फजल अली आयोग के अंतर्गत। तो इस तरीके से तीन लोगों से मिलकर के ये आयोग गठित हुआ था और तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य के पुनर्गठन के लिए परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद इन्हें अपनी रिपोर्ट और संस्तुति करनी थी। जिस तरीके से ये जेपीबी समिति है उसी तरीके से इसको जो है एफ के एच आयोग भी कहा जा सकता है, यानी कि फजल अली, के एम पड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। याद करने में आसानी के लिए एफ के एच बताया जा रहा है क्योंकि नाम दो तीन समितियों और आयोगों के नाम अगर याद अलग अलग करने पड़े तो इससे कंफ्यूजन उत्पन्न होता है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म को डिजाइन किया गया है जो आपको परीक्षा में याद करने में आसानी होगी और यहाँ से आने वाले प्रश्न को हल करने में आपका मदद करेगा। तो इस तरीके से 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें 1953 ईस्वी में गठित हुआ था और 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1955 ईस्वी में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1955 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया और वह अधिनियम इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी, जिसमें इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि प्रशासनिक आधार, प्रशासनिक एकरूपता और सुविधा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और भाषा इत्यादि को अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी उसके आधार पर किसी भी राज्य का गठन होना चाहिए। सबसे ज्यादा इन्होंने बल प्रशासनिक एकरूपता पर दिया था और इसके आधार पर अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 ईस्वी में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए थे। यह तो 1947, 1948 और 1953 में बनाए गए तीन महत्वपूर्ण समिति और आयोगों के द्वारा दिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। लेकिन इसके बाद भी समय समय पर अलग अलग क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टताओं, मांग और वहां के विकास जैसे मुद्दों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग राज्यों का गठन किया गया था। हम उन्हें ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टिकोण से देखेंगे, जिससे एक अवधारणात्मक समझ बन सके और वहां से आने वाले सवालों को हल करने में हमें मदद मिल सके। तो 1956 ईस्वी में पारित इस अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और पुनः इसके बाद अलग से राज्य बनाया जाने लगा और 1956 ईस्वी में राजस्थान का निर्माण किया गया, राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ। और इसी तरीके से 1960 में बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन किया गया और महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ। बॉम्बे पहले पूरे क्षेत्र को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और महाराष्ट्र गुजरात 1960 ईस्वी में बना। 1966 ईस्वी में हरियाणा, पंजाब से जो है हरियाणा राज्य बनाया गया। यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि 1966 में पंजाब राज्य का नहीं गठन हुआ, बल्कि पंजाब राज्य को पुनर्गठित करते हुए हरियाणा राज्य बनाया गया। इसलिए परीक्षा में अगर प्रश्न यहां आता है तो 66 में पंजाब का गठन हुआ या पंजाब का निर्माण हुआ, इस बात को करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ, क्योंकि पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाब से निकल करके हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। और 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर में पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र वाला राज्य है। क्योंकि यहाँ पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पर विकास के लिए एक अलग प्रारूप और एक विकास के लिए अलग दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता थी। इसलिए इन पहाड़ी क्षेत्रों को मिला करके हिमाचल प्रदेश, जैसा कि नाम है हिम अंचल, यानी कि बर्फीले क्षेत्रों के अंचल में था। यहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है और भारत, उत्तर भारत में फल के जो उत्पादन में यह अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। और 1971 में ही पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 पारित किया गया और इसके माध्यम से तीन राज्यों का पूर्वोत्तर में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीन राज्यों का गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। 1972 ईस्वी में इन तीन राज्यों का निर्माण हुआ और इसे 60 में ममेटी के नाम से जाना जाता है। इसे 60 में ममेटी के नाम से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। पूर्व में भी मैंने जब जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है बताया था, जब अनुसूचियों का अध्ययन हो रहा था, तो वहां पे चार राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि अमेमिति के बारे में मैंने बताया था। ये याद करने में आसानी थी, अनुसूची 6 के अंतर्गत चार राज्यों का उल्लेख था, 6 और 4, ये दोनों ही समसंख्याएं थी, जो याद करने में आपको आसानी प्रदान करता है। तो इस तरीके से वहां पर भी एक आपको फार्मूला बनाया गया था। इस तरीके का फार्मूला आप भी अपने डेली रूटीन में आने वाले टेक्स्ट बुक का जब अध्ययन करते हैं तो वहां से विकसित करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपके
अध्ययन को बहुत ही आसान करेगा, और कुछ ऐसी चीजों को जिस पे आप बार बार भूलते हैं उस चीज को याद करने में आपको आसानी प्रदान करेगा। तो इस तरीके से ममेती का जो है यानी कि मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का गठन हुआ 1972 ईस्वी में। तो 1975 ईस्वी में सिक्किम के संदर्भ में एक बात है कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है, इसके माध्यम से इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से जब भी कभी पूछा जाता है कि सिक्किम को कब राज्य बनाया गया तो ये 1975 ईस्वी में 36वें संविधान के माध्यम से हुआ, क्योंकि 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे केवल सह राज्य का ही दर्जा प्रदान किया गया था। और 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में, इसलिए हमेशा भी सिक्किम राज्य के निर्माण की बात हमेशा 1975 और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है। तो इस तरीके से 1975 ईस्वी में सिक्किम का निर्माण हुआ था। इसके बाद 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, गोवा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में इन तीनों राज्यों का जो है निर्माण हुआ। 1987 के बाद 2000 ईस्वी में तीन राज्यों का निर्माण किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 36वें उत्तराखंड झारखंड, पूर्व में ये उत्तरांचल के नाम से था, 2006 ईस्वी में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो 2000 ईस्वी में ये अभी क्रम से ही है, एक नवंबर है, नौ नवंबर है और 16 नवंबर है, एक नवंबर, नौ नवंबर और 16 नवंबर को क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो है गठन किया गया था। इसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य हुए। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी पूर्व में थी हैदराबाद, वो तेलंगाना राज्य की राजधानी हो गई, और हाल में ही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गई है। तो इस तरीके से 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए तेलंगाना राज्य का नया निर्माण किया गया। तो इस तरीके से 2014 तक कुल मिलाकर 29 राज्य हो गए थे, लेकिन 2019 में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का जो है पुनर्गठन किया गया, और जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने के बाद जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ये दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और इन दो केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने के साथ ही जहां पूर्व में 29 राज्य थे अब जो है वो 28 राज्य हो गए, क्योंकि ये राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का विलय अधिनियम 2019 के माध्यम से दादरा नगर हवेली और दमन दीव को, जैसा कि पूर्व की भी कक्षा में हमने इसको स्पष्ट किया था, इन दोनों का विलय कर दिया गया, और अब जहां पे पूर्व में 9 थे अब 8 हो गए। तो इस तरीके से वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो आज के इस क्लास में संघीय राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद के माध्यम से क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, राज्य के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, संसद के माध्यम से राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, राज्य विधानमंडल से सहमति और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की बात को
बताया गया है। इसके साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में चर्चा आज हुआ है और अलग अलग समय में क्रमागत रूप में 1956, 66, 71, 72, फिर 75, 87, 2014 और 2019 इस तरीके से एक क्रमागत ऐतिहासिक विकास के माध्यम से राज्य के निर्माण की बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो आज की क्लास में राज्य एवं संघ राज्य के बारे में हमने पूरा चर्चा किया। इस लेक्चर के साथ में आप अपने तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। पुनः एक नए क्लास में एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।